विवेक विहार स्थित न्यू बॉर्न बेबी हॉस्पिटल में 25 मई शाम को आग लगे जाने के कारण 7 बच्चों की मृत्यु हो गई है और बाकी बचे नवजात बच्चों को स्थानीय निवासियों द्वारा बचाया गया, जिसका सम्मान आज शाहदरा जिला स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा एवं जिला अध्यक्ष संजय गोयल द्वारा किया गया। हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि ऐसी घटनाएं दिल्ली सरकार और एमसीडी के मुंह पर तमाचा है और केजरीवाल सरकार के सिस्टम की पोल खोल रहा है। ऐसी घटनाओं का सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, जिसमें 7 नवजात बच्चों की मौत हो जाती है। जी, सुशील उपाध्याय, यासिर भाई ने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया है और पत्रकार साथियों, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 25 तारीख को जो न्यू बेबी केयर मेडिकल सेंटर में रात को 11:30 बजे वहां पर अचानक आग लगती है, उस विषय में आप सबने उस दिन भी उसके बाद भी सब कवर किया है। उसमें जो दिल्ली सरकार और नगर निगम की जो लापरवाही सामने आई, जानकारी में आया कि उनका जो नर्सिंग होम का लाइसेंस है वो 31 मार्च को एक्सपायर हो गया था, उसके बाद से आज तक रिन्यू नहीं हुआ। उसके अलावा छोटे छोटे बच्चों की जान से खेल रही थी नगर निगम और दिल्ली सरकार, वहां पर 6 सिलेंडर से ज्यादा रखने की इजाजत नहीं थी, पर वहां इल्लीगल तरीके से दिल्ली सरकार के अधिकारियों की और कॉरपोरेशन के अधिकारियों की नाक के नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिफिलिंग भी होती थी। एक तरफ छोटे छोटे वहां पर 12 बच्चे जिनको उनके माता पिता इसलिए वहां नर्सिंग केयर में छोड़ते हैं कि 10 दिन का, 15 दिन का, 18 दिन का बच्चा, 2 दिन का बच्चा, उसको स्पेशल नर्सिंग केयर की जरूरत है और वहां पर अगर ऑक्सीजन की रिफिलिंग हो रही है तो आप सोचिए ये कितना दर्दनाक हादसा हुआ है कि छोटे छोटे बच्चों के पास में इतना खतरनाक काम हो रहा है। और ऐसा ही नहीं है कि अधिकारियों की जानकारी में नहीं था, आरडब्ल्यूए के लोगों ने वहां पर कंप्लेंट की हुई है और नगर निगम के अधिकारी वहां पर आते हैं, अपना दाल दलिया करते हैं और बच्चों की जान से खिलवाड़ करके चले जाते हैं। और दिल्ली सरकार के लोग, चाहे वो यहाँ के विधायक हो, चाहे दिल्ली सरकार के मंत्री हो, अभी तो स्वयं केजरीवाल साहब भी पैरोल पर बाहर है, उनमें से कोई वहां पर उस समय आना चाहिए नहीं आता। बाद में विधायक जी आके शक्ल दिखाते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के मंत्री को लेनी चाहिए और उन्हें भी इस बात के लिए तुरंत इस्तीफा भी देना चाहिए। अभी तक उनकी तरफ से कोई ठीक रिएक्शन नहीं आया सिवाय इसके कि इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी तो केजरीवाल साहब के सहायक की भी हो रही है, पता नहीं कब तक चलेगी उनकी तरफ से जो इंक्वायरी होनी है, जिसने स्वाति मालीवाल के साथ भी बदतमीजी की है। तो ये दिल्ली सरकार का हाल है, एक ही रात में 2 जगह आग लगती है, विवेक विहार में और किशन नगर के पास, दोनों जगह दिल्ली सरकार कटघरे में है। उनके मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इसके साथ साथ पर वहां पर जो साधारण जनता के लोग हैं उन लोगों ने हिम्मत दिखाई है। 12 बच्चे थे वहां पर, 12 में से अगर 5 बच्चों को भीषण आग में से बचाया जा सका तो मैं 5-6 लोग ऐसे थे वहां पर जो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद भी हैं, हमने उनको भी आज निमंत्रित किया, उनका हम अभिनंदन कर रहे हैं, उनको उनका स्वागत भी कर रहे हैं। अंकित एक युवा बच्चा है, अंकित ने और विनय नारंग जी ने, इन्होंने पीछे से जाकर के जहां आग लगी हुई है घर के अंदर घुस के, और वहां पर अंदर 2 नर्सेस भी मौजूद थी, उन्होंने बच्चों को, जो जीवित बच्चे थे
उन बच्चों को इनको पकड़ाया और वो लोग लगभग आग के अंदर से होते हुए ही अंकित जी, विनय नारंग, अरुणिमा शर्मा जी, शशि जी, जितेंद्र, रमेश, बब्बू, जिसमें अंकित गोयल जो भी आपको बताएंगे भी, इन्होंने और विनय नारंग जी ने, साथ में वो बहन जी अरुणिमा जी और शशि जी, इन्होंने बच्चों को पकड़ा और वो चेन बन गई, एक ह्यूमन चेन बनी, जिससे कि कपड़ों में लपेट के, क्योंकि वहां कपड़े भी नहीं थे, फिर आस पड़ोस से आनन फानन में कपड़े भी आए बच्चों के लिए, उनको कार में रख के ये एक पास के नर्सिंग होम में गए, जहां पर 5 बच्चे अभी जीवित हैं। 7 बच्चों की दर्दनाक मृत्यु हुई है, बहुत खेद की बात है, मैं उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत संवेदना प्रकट करता हूं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।